नमस्कार, वेब दुनिया में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। मुंबई के एल्फिंस्टन रेलवे स्टेशन के फुट ओवर ब्रिज पर मची भगदड़ में 20 से ज्यादा लोगों की मौत, दर्जनों घायल। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने मुंबई रेल हादसे की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा, सरकार ने ध्यान दिया होता तो टाला जा सकता था रेल हादसा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए देने की घोषणा की। यशवंत सिन्हा का अरुण जेटली पर पलटवार, कहा जेटली नहीं जानते लोगों की समस्याएं और अपेक्षाएं। शत्रुघ्न सिन्हा ने भी साधा प्रधानमंत्री पर निशाना, कहा मंदी पर आगे आकर सवालों के जवाब दें मोदी। अकाली दल के नेता और पंजाब के पूर्व मंत्री सुच्चा सिंह लंगाह पर लगा दुष्कर्म का आरोप। बांग्लादेश में रोहिंग्या शरणार्थियों की नाव पलटी, 19 लोगों की मौत, 50 लापता। लीबिया में अमेरिका का हवाई हमला, इस्लामिक स्टेट के कई आतंकवादी मारे गए। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान इयान चैपल ने कहा, बेन स्टोक्स के बिना इंग्लैंड नहीं जीत पाएगा एशेज। ये थी आज की खास खबरें। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।